और लखनऊ से समाचार प्लस पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सरेंडर कर दिया है, कई नेताओं ने सीबीआई कोर्ट में जाकर सरेंडर किया है। दरअसल कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ही तमाम लोग पहुंचे और इंदिरा नगर में जाकर इन्होंने सरेंडर किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। आपको बता दें कि पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने भी सरेंडर किया, राम मंदिर निर्माण के लिए कोई भी सजा पाने को तैयार हूं, ये उनकी तरफ से बयान आया है। पूरे मामले में देख सकते हैं आप, रामविलास वेदांती जी भी आ गए हैं इस मामले में अभियुक्त हैं, इनसे हम बात करते हैं, वेदांती जी से हम बात करते हैं एक बार कि किस तरह से महाराज जी आज आप सरेंडर कर रहे हैं। जी हाँ जी जी, तो महाराज जी तो आगे की राम मंदिर को लेकर आपकी क्या आप क्या सोच है? अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनेगा जी, और हम लोग चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो। आज क्या है महाराज जी यहाँ पे सरेंडर? आज सीबीआई ने हम लोगों को सम्मन भेजा है कि आज 20 तारीख को आप लोग 11 बजे पहुंचिए। मैं अपने टाइम से यहाँ पहुंच गया हूँ और मैं तो चाहता हूँ, मैंने तो पहले ही घोषित किया है कि मैंने ढांचा तोड़वाया, रामलला का मंदिर खंडहर था, खंडहर को तोड़वाया। खंडहर के तोड़वाने के आरोप में यदि हमको फांसी सजा होती है या जेल होता है तो मैं आजीवन कारावास में जाने को तैयार हूँ, लेकिन रामलला का मंदिर बने ये मैं चाहता हूँ। जो यूपी सरकार है और केंद्र सरकार, क्या कुछ लग रहा है कि ये पॉजिटिव है राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर बनाने के लिए भाजपा ने अपने एजेंडे में रखा था जी, लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में जी। लोकसभा के चुनाव में मोदी को देश की हिंदू जनता ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया, विधानसभा के चुनाव में महंत अवैधनाथ जी के उत्तराधिकारी शिष्य योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करेंगे। तो क्या कर रहे हैं कुछ इस तरह से महाराज जी ये लोग, सकारात्मक इनका क्या लग रहा है? सकारात्मक स्थिति रहेगी निर्माण। तो ये रामविलास वेदांती जी हैं और आज सरेंडर कर रहे हैं सीबीआई कोर्ट में। जो 5 लोग आज सरेंडर कर रहे हैं, अन्य आरोपी चूंकि लालकृष्ण आडवाणी उमा भारती समेत और आरोपी भी हैं, उनको भी सरेंडर करना है सीबीआई कोर्ट में। अब देखने वाली बात यह है कि आज कोर्ट में वो सरेंडर कर रहे हैं, उनको जमानत मिलती है या नहीं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ।